हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है आई क्वांटा पर। बच्चों, बहुत बड़ी अपडेट्स हैं कुछ आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके एडमिशन के लिहाज से, और वो हैं आपके DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट्स बारीकियों को, यानी अपने जो आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे सारे प्रेफरेंसेस वगैरह भर रहे हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो उसी की बातें करने आया हूं मैं, वही अपडेट आपको देने आया हूं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है जो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। तो वो गलतियां आप मत कीजिएगा, जैसे आप कोर्सेज के प्रेफरेंसेस वगैरह अपने डाल रहे हैं, कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस वगैरह डाल रहे हैं, तो उसको परमानेंटली लॉग्ड मत कीजिएगा। जब अपने आप वो जो सबमिट हो जाएगा तो परमानेंटली लॉग्ड भी नहीं होगा, ऐसा DU की तरफ से कहा गया है कि वो चीजें आपकी क्या रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। बाद में आप, जैसे आपका मन हुआ प्रेफरेंसेस वगैरह चेंज करने का, या आपका मन हुआ अपने कॉलेज के कोर्सेस वगैरह, मतलब कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहें, जो भी डॉक्यूमेंट सारी चीजों को जो आपने भरा है उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं 10 अक्टूबर तक जो टाइम दिया गया है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मान लीजिए अभी फिलहाल आप जो उसमें इनपुट कर दें सारी जानकारी अपनी, बाद में चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे बड़ा ध्यान में रखने वाली चेंज बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग एक दो अपडेट्स ये हैं। तो सबसे पहले तो चीज जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको भरना ही है, वहां पे आपको उसका क्या लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह करने हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके मस्ट ही हैं। और एक चीज कहा गया है DU की तरफ से कि जैसे कि आपने CUT का जब एडमिशन के CUT के एग्जाम के लिए जब आपने फॉर्म भरा था सारी चीज, तो वहां पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए होंगे, जिस कैटेगरी के होंगे सारी चीजें वहां पे आपने किया होगा। लेकिन वहां पे अगर कोई गलती हुई है या वहां पे अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपने किया है, वही चीज यहां पर भी अगर करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर चेंजेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज अंडरटेकिंग के रूप में नहीं ली जाएगी, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब उसके बदले नहीं, क्या कोई गलती हो जाएगी तो उसको बाद में कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा सर हम तो CUT में एकदम सही भरे थे, इसमें हो गया तो उसी को मान लीजिए, ना, इसका कहने का मतलब DU कहने भैया हम अपना अलग भरवा रहे हैं, इसको सही से भरिएगा, कोई गलती होगी तो उसको मान्य नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, सही तरीके से अपलोड नहीं होता या किसी तरीके की उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। बाकी का जो एक यहाँ पे और दिख रहा होगा, एक ट्रिक आपको नजर आ रही होगी, किस ट्रिक से कम नंबर में एडमिशन हो सकता है। तो जैसे तो चलो ठीक है भाई, जिसका ऑब्वियस सी बात है, जिसके ज्यादा नंबर है, मोर देन 780-790 है, तो भाई नॉर्थ कैंपस तक की पूरी पॉसिबिलिटी है उनकी। लेकिन जिनके कम नंबर है वो किस ट्रिक से, कौन से ऐसी टेक्निक अपनाएं कि उनके एडमिशन हो सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में। अच्छे कॉलेज मतलब नॉर्थ कैंपस छोड़ के ऑफ कॉलेजेस और आपका साउथ कैंपस वगैरह में। तो ये चीज आप अपने प्रेफरेंसेस को अच्छे तरीके से, बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, लिस्टिंग देखिए, आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को निकालिए, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को जब आप निकालेंगे अदर कॉलेजेस के, जो आपके साउथ कैंपस हो गए या ऑफ कैंपस हो गए, वहां पे देखिए किस कॉलेजेस के कम मार्क्स पे एडमिशन हुई है, कौन से ऐसे कॉलेजेस थे जो कम कट ऑफ पे कॉल किए थे और एडमिशन बच्चों का हुआ था। तो उनकी जब आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, उन कॉलेजेस को आप अपने प्रेफरेंसेस पे रखिए, कौन से कोर्स में कितनी कट ऑफ थी, किन किन कॉलेजों में कौन कौन से कोर्स पे कितनी कट ऑफ थी, उसकी भी लिस्टिंग निकालिए और उसको अब एनालिसिस करके आप अपने प्रेफरेंसेस में सही से भरने की कोशिश कीजिए। उसको जिसकी कम कट ऑफ पे अच्छे कॉलेज में जिसका एडमिशन हुआ हो, जिसकी कम कट ऑफ निकली हो अच्छे कॉलेज के अच्छे कोर्स के लिए, तो उसको प्रेफरेंसेस में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपकी काफी मदद करेगी आपके एडमिशन के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स DU से रिलेटेड। बाकी आप सारी चीजों को करते रहिए अच्छे तरीके से, फॉर्म वगैरह जो भी गलतियां हो जाए उनको सुधार भी कर लीजिए, कुछ चीजों में बिल्कुल मत कीजिए, ये सब ध्यान में रखिए। बाकी कोई नई अपडेट होगी आपको बताया जाएगा, AU से रिलेटेड, DU से रिलेटेड तो बता ही रहा हूं, बाकी आपका BHU से रिलेटेड भी कोई चीज होगी तुरंत बताई जाएगी। बैक टू बैक वीडियोज आएंगे, आपकी लाइव क्लासेस भी होने वाली है 10 बजे, तो वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज वगैरह आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 10 बजे लाइव। Thank you to all of you. Good luck.